हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CITS एडमिशन के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है, CITS की जो लास्ट डेट है वो 8 अगस्त है, 8 अगस्त 5 बजे तक। और ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ये आज 8 अगस्त का ही वीडियो है, ठीक है। जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि CITS में जो टोटल फॉर्म है वो कितने भरे गए हैं, ठीक है। CITS में कितने फॉर्म भरे गए और NSTI कॉलेज की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, NSTI कॉलेज में कुल कितनी सीटें हैं उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि टोटल जितने फॉर्म पड़े और NSTI में कितनी सीट है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक सीट पर, यानी कि अगर आपको NSTI कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक सीट पर कितना कंपटीशन होने वाला है वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे आपको क्या हो जाएगा कि एक जनरल आइडिया, देखिए ये डाटा सही तो नहीं है क्योंकि जो सीटों की संख्या है वो भी अलग अलग है, हम लोग टोटल NSTI सीट जोड़ेंगे, लेकिन ट्रेड वाइज जो सीटों की संख्या है वो अलग अलग है। साथ ही साथ जो लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें भी फिटर के ज़्यादा बच्चे होंगे, इलेक्ट्रीशियन के ज़्यादा बच्चे होंगे, कुछ ट्रेड के कम बच्चे होंगे, तो ये डाटा एक हिसाब से सही तो नहीं है। लेकिन आपको क्या होगा, एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि भाई अगर हमको NSTI कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हमको जो कितने लड़कों या लड़कियों से फाइट करना पड़ेगा तब जाके हमको NSTI कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर हम लोग ITOT कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो NSTI कॉलेज में सीटें हैं उसी को ध्यान में रखते हुए जो ये रेशियो है वो निकाला जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे विभिन्न मॉडल सेट अवेलेबल हैं। नॉन टेक्निकल मॉडल सेट पहला अवेलेबल है, ठीक है, जो कि सभी ट्रेड वालों के लिए कॉमन है। साथ ही साथ कुछ ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल मॉडल सेट भी उपलब्ध हैं। तो जो ट्रेड से रिलेटेड जिन लोगों का मॉडल सेट उपलब्ध है वो अपना ट्रेड वाला मॉडल सेट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का ट्रेड से रिलेटेड मॉडल सेट नहीं उपलब्ध है वो नॉन टेक्निकल डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो इसमें 10 सेट रहेंगे, नॉन टेक्निकल मॉडल सेट में 10 सेट रहेंगे और इसमें 250 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये सेट डाउनलोड करके आप अपनी जो नॉन टेक्निकल मैथ और रीजनिंग की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो आपको ये प्रोफाइल दिख रहा है ये मेरा ही प्रोफाइल है, ठीक है। मैंने ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों को दिखाया था फॉर्म फिलअप करके, और ये जो मैंने फॉर्म भरा था ये 19 जुलाई को भरा था, यानी कि जैसे ही CITI का फॉर्म शुरू हुआ था वैसे ही मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए ये जो शुरू के डिजिट हैं CITS 21 AU, ये सभी रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। और ये जो आगे का डिजिट है यानी कि 00252, ये दिखाता है रजिस्ट्रेशन संख्या, यानी कि देखिए जैसे ही फॉर्म शुरू हुआ था वैसे ही मैंने अप्लाई किया था तो मेरा नंबर है 252वां, यानी कि मुझसे पहले 251 लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, ठीक है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट हुआ वैसे ही मैंने किया, लेकिन उसके पहले ही क्या कर चुके थे, 251 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, यानी कि मेरी रजिस्ट्रेशन संख्या है 252वां, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोफाइल में लॉगिन करता हूँ और उसमें देखिए ये जो मैंने फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन किया है ये किया है 7 तारीख को इवनिंग में, ठीक है, 7 तारीख को इवनिंग में दूसरा रजिस्ट्रेशन किया। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने जो है फॉर्म टोटल CITS एंट्रेंस एग्जाम में भरे गए हैं। तो आइए, मैं जो मैंने 7 तारीख को 7 अगस्त को इवनिंग में रजिस्ट्रेशन किया था, देखिए पहला रजिस्ट्रेशन तो ये हो गया 19 जुलाई वाला। अब 7 तारीख को जो रजिस्ट्रेशन करूँगा उसका जो रजिस्ट्रेशन संख्या मिलेगा उससे हमको पता चल जाएगा कि टोटल CITS में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो आइए मैं उस ID को जो है लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने उस प्रोफाइल को लॉगिन कर लिया है जो कि मैंने 7 अगस्त को इवनिंग में जो रजिस्ट्रेशन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन संख्या, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इतनी डिजिट तो आपकी क्या है, कॉमन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60,545, ठीक है, कितना है, 60,545, यानी कि जो टोटल फॉर्म 7 अगस्त इवनिंग तक, यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हैं, ये 7:47 हुआ है, ठीक है। तो 7 अगस्त के शाम तक जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो कितने हैं, हुए हैं 60,545, ठीक है, क्योंकि इसका डेट बाद में बढ़ा गया है तो इसलिए जितने मैक्सिमम लोगों को, जो सीरियस कैंडिडेट थे जितने मैक्सिमम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना था उन्होंने 2 अगस्त तक ही अपने क्या कर लिए थे, रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए बहुत अगर लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 8 अगस्त को लगभग मान लीजिए आप 1500 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, 1500 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 60,545 में अगर 1500 जोड़ते हैं तो
टोटल जो संख्या हो जाएगी कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी 62,000। यानी कि टोटल जो फॉर्म है वो कितने लोग फिल करेंगे, 62,000 लोग उस फॉर्म को फिल करेंगे। और हम ये मान के चलें कि 2,000 जो फॉर्म है वो गलत होंगे, फेक होंगे। जैसे कि देखिए, मैंने ही फेक रजिस्ट्रेशन किया, मैंने यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं किया, ठीक है, सिर्फ ये जानने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल करा। ऐसे ही बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा या किसी का फॉर्म गलत हो गया होगा, तो हम सीधा सीधा मान के चलते हैं कि जो 2,000 फॉर्म हैं ये क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। या कई लोगों ने फीस पेमेंट नहीं किया होगा तो उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा ही रिजेक्ट होगा, ये तो मैं नॉर्मल लेके चल रहा हूँ कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए, 60,000, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, CITS का फॉर्म भरा। अब हम लोग बात करते हैं NSTI में सीटों की संख्या की, ठीक है। तो नॉर्मल जो NSTI होता है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग एडमिशन ले सकते हैं, उसमें अगर कुल ट्रेड को मिला के सीटों की संख्या की बात करें तो कितना आता है, 5,875, ठीक है। साथ ही साथ इसी तरीके से NSTIW की बात करें, यानी कि जो गर्ल्स कॉलेज होता है जिसमें सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है, तो उसमें सीटों की संख्या है 2,225। और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो सीटों की संख्या जो टोटल आती है वो आती है 8,100, ठीक है। यानी कि NSTI में देखिए, ये सिर्फ सभी ट्रेडों को मिला के है, तो इसमें देखिए ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हद तक तो सही नहीं है, क्योंकि फिटर इलेक्ट्रीशियन के बहुत ज़्यादा लड़कों ने फॉर्म भरा होगा तो उनकी सीटें भी ज़्यादा हैं। एक जनरल मैं आपको आइडिया देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कितने लोग से कंपटीशन करना पड़ेगा अगर आपको NSTI कॉलेज में एक सीट चाहिए, ठीक है। तो टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 8,100। NSTI की बात कर रहा हूँ, इसमें ITOT की सीट मैंने नहीं जोड़ी है। ITOT में कितनी सीट है, ITOT और प्राइवेट ITOT की कुल सीटों को मिला दिया जाए तो 4,640 सीटें हैं, ठीक है। तो इसको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमको NSTI में एडमिशन लेना है। ITOT में तब आप एडमिशन लेंगे जब आपको एडमिशन NSTI में नहीं मिलेगा। तो सिर्फ हम लोग NSTI में जो सीटें हैं उसमें कितना कंपटीशन है सिर्फ उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 60,000 मान लीजिए टोटल फॉर्म फिलअप हुआ, ठीक है, 60,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ, और NSTI में NSTI और NSTIW दोनों में सीटों की संख्या अगर हम लोग मिला दें तो कितनी है, 8,100, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपका जो रेशियो आएगा वो आएगा 7.40, ठीक है। यानी कि लगभग 7 से 8 स्टूडेंट फाइट करेंगे सिर्फ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे नहीं रहता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ भाई कि थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो NSTI कॉलेज में सीट मिल जाएगा और आपका कम पैसे में CITS का कोर्स हो जाएगा। तो जो फाइट है एक सीट के लिए NSTI में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक सीट पर 7 से 8 लड़कों से क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। यानी कि 7 से 8 लड़कों को आप पीछे छोड़ देंगे, आपको आसानी से NSTI में सीट मिल जाएगा। और साथ ही साथ भाई अगर ITOT में एडमिशन लेना है तो ITOT में तो और कम हो जाएगा, तब आपको 2-3 लड़कों को बस पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ITOT में भी अभी कितनी सीटें हैं, 4,640, उसको मैंने अभी ऐड नहीं किया है इसमें, ठीक है। NSTI की सिर्फ बात कर रहा हूँ, NSTI में जो कंपटीशन है वो 7 से 8 लड़कों में एक सीट का कंपटीशन है। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए जो डाउट है वो आपके थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे, कि अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सोच रहे होंगे बहुत कम होता है, सबको कम एडमिशन NSTI में मिल जाता है, तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं तो आसानी से आपको NSTI में एडमिशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉडल पेपर हमारे उपलब्ध है, नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और उसी तरह के प्रश्न जो पिछले साल परीक्षा में पूछे गए थे। तो नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ट्रेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करिए, अगर ट्रेड से रिलेटेड आपका मॉडल पेपर उपलब्ध है, जैसे कि फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, फैशन डिजाइन, टेक्नोलॉजी, तो आप ट्रेड से रिलेटेड मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।